आर्यन खान केस में 50 लाख रुपए तावान दिया गया। किसके लिए दिया गया? आर्यन को रिहा करने के लिए दिया गया। फिर आर्यन रिहा क्यों नहीं हुआ भाई, ये एक बड़ा सवाल है। तावान दिया किसने, एक्सट्रॉर्शन के पैसे दिए किसने, लिए किसने? आज की वीडियो में सब आपको बताऊंगा। आर्यन की गिरफ्तारी की रात 2 तारीख खत्म हो चुकी थी, 3 लग चुकी थी क्योंकि रात के 12 बजे के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। उससे पहले 9 से 10 बजे के दरमियान एक मीटिंग हुई, एनसीबी के हेड ऑफिस में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में समीर वेंकटे मौजूद थे, किरण घोसावी मौजूद था, और कौन मौजूद था जिसने ये बात की कि जनाब अब जाके आर्यन को गिरफ्तार करना है और उसके बाद एक्सट्रॉर्शन लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद, मैं हूं सलमान मिर्जा, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप सब खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब नए नए इंकशाफात, एंड आई रियली मीन इट, नए नए इंकशाफात शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड उनके साहबजादे आर्यन खान मनशियात केस में सामने आ रहे हैं। कभी कुछ निकलकर सामने आता है, कभी कुछ निकलकर सामने आता है। ये मनशियात केस कम, एक खिचड़ी अब ज्यादा लगने लग गई। पहले आर्यन इन्वॉल्वमेंट, फिर आर्यन की 3 साल से ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट सामने आई, फिर आर्यन की इंटरनेशनल नेक्सस से इन्वॉल्वमेंट सामने आई। इतने बड़े बड़े इल्जामात लग रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 बार दरख्वास्त जमानत आर्यन की मुस्तरद हो गई। उसके बाद एक नई चीज निकलकर सामने आई कि सिर्फ आर्यन नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टार किड्स एक ग्रुप में शामिल हैं, उस ग्रुप में मनशियात की बात हो रही है, उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, अनन्या पांडे से बातचीत की जा रही है, एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर का फॉर्म हाउस वहां पर मुलाजिम वो ड्रग सप्लाई करता है, ये सामने आ रहा है। और अब जो नया मोड़ इसमें आया है, अब ये सियासी अखाड़ा बनता चला जा रहा है। महाराष्ट्र की जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो अब इस सारे मामले को मुद्दा बना के इस सारे मामले को इशू बना के बीजेपी सरकार, जो कि उनकी विफाक में सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसको निशाना बना रही है और सारे केस का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जनाब नया बंदा किरण घोसावी, आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, मैंने नए इंकशाफात किए थे, मैंने कहा था कि उसके बॉडीगार्ड ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिससे यह लग रहा है कि अब ये एक्सट्रॉर्शन का मामला है। और एक्सट्रॉर्शन जनाब एफवा भरा है, तावान वसूल करना, ये एनसीबी के जो मुंबई से विंग के सरबरा है समीर वेंकटे, उन पर कोई नया इल्जाम नहीं है। 2020 में भी उन पर ये इल्जाम लगा था, लेकिन अब जो इल्जाम लग रहा है उसके एविडेंसेस सामने आ रहे हैं। और वो एविडेंसेस कौन लेकर आ रहा है? प्रभाकर सेल, जो कि इस सारे मामले में एक नई कड़ी है, नया किरदार है। प्रभाकर सेल ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं और उसने एनसीबी की कारकर्दगी की जो हंडिया है ना, वो बीच चौराहे पर बड़े बुरी तरह से फोड़ दी और बुरी तरह से इनको बेनकाब और सॉरी टू से इनको नंगा करके रख दिया है। और अब ये लग रहा है कि वाकई में शाहरुख खान और आर्यन खान को एक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका मकसद ये है जनाब, क्या आर्यन की गिरफ्तारी की रात 2 तारीख खत्म हो चुकी थी, 3 लग चुकी थी क्योंकि रात के 12 बजे के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। उससे पहले 9 से 10 बजे के दरमियान एक मीटिंग हुई, एनसीबी के हेड ऑफिस में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में समीर वेंकटे मौजूद थे, किरण घोसावी मौजूद था, और कौन मौजूद था जिसने ये बात की कि जनाब अब जाके आर्यन को गिरफ्तार करना है और उसके बाद एक्सट्रॉर्शन लेना है। इन सारी चीजों पर बात करेंगे जनाब। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब 50 लाख रुपए एक अमाउंट कोर्ट हो रही है, आर्यन खान केस में 50 लाख रुपए तावान दिया गया। किसके लिए दिया गया? आर्यन को रिहा करने के लिए दिया गया। फिर आर्यन रिहा क्यों नहीं हुआ भाई, ये एक बड़ा सवाल है। तावान दिया किसने, एक्सट्रॉर्शन के पैसे दिए किसने, लिए किसने? आज की वीडियो में मैं सब आपको बताऊंगा। जनाब हुआ ये, किरण घोसावी जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव है, अपने आप को प्राइवेट डिटेक्टिव कहता है, बीजेपी का बंदा है ये, मैं आपको फिर बता दूं, ये बीजेपी का बंदा है और धड़ल्ले से खुद बोलता है ये कि मैं बीजेपी का बंदा हूं। खैर सारे केस के बाद से, जब से आर्यन गिरफ्तार हुआ उसके बाद से ये ऐसा गायब है जैसे गधे के सर पर सींग ना गायब हो जाता है, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा कहां है किधर है। उसके बाद शायद जो पैसे का मामला है ना, उसने इनके दरमियान फूट पैदा कर दिया। वो फूट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसका एक गार्ड है, प्राइवेट गार्ड प्रभाकर सेल, इसने तहलका खेज इंकशाफात किया। इसने कहा कि 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को मेरे पास 7 बजे के करीब कॉल आती है, और वो कॉल आती है किरण साहब की, वो कहता है बॉस की कॉल आती है, किरण की कॉल आती है कि यार यहां पहुंचना है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं एक लोकेशन, आप वहां पहुंच जाए और मैं यहां से निकल रहा हूं, और निकलने के बाद मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। खैर फिर बीच में दोबारा कॉल आती है और कहते हैं कि मैंने अब जो आपको लोकेशन भेजी है, अब वहां पर पहुंचे, और मीनवाइल वो एक मनी ऑर्डर भी उसको देते हैं।
शायद आने जाने के पैसे के किराए की वजह से। वो जब वहाँ देखता है कि कौन सी लोकेशन है, तो वो एनसीबी की निकलती है। अब वो एनसीबी के जब हेड ऑफिस में जाके खड़ा होता है, तो पता चलता है भाई किरण यानी उसका जो बॉस है, प्रभाकर सेल का जो बॉस किरण है, वो बैठा हुआ है कहाँ पे, एनसीबी के हेडक्वार्टर्स में। किसके साथ मीटिंग में, जिसने आर्यन को गिरफ्तार किया, समीर वेंकटे, उसके साथ बैठा हुआ है। अच्छा जी, ये सारी गिरफ्तारी से पहले की बात है, मतलब 2 तारीख शुरू हो चुकी है और 10 बजे का टाइम है, गिरफ्तारी हुई है तकरीबन 3-3:30 बजे करीब, या उससे पहले के करीब गिरफ्तारी हुई है। 12 बज चुके थे, 12 के बाद हुआ था मामला गिरफ्तारी का। अब जनाब ये लोग उतरते हैं, उतरने के बाद किरण जो है प्राइवेट डिटेक्टिव, एनसीबी जो उनका एक गवर्नमेंट का लॉ एनफोर्समेंट का एक इदारा है प्रॉपर, जो कि काम करता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इदारे तो ऐसे होते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आए बगैर काम करते हैं। तो जनाब उनका एक ये सब सारी बातें कौन कह रहा है, प्रभाकर सेल कर रहा है कि जनाब जब मैंने देखा कि एनसीबी के हेड ऑफिस से एक बंदा उतर कर आ रहा है, वो बंदा कौन है, वो उसका बॉस है, किरण है, लेकिन वो किसके साथ है, और गले में हाथ डाल के किसके आ रहा है, एनसीबी के एक ऑफिसर के गले में हाथ डाल कर आ रहा है, और ऐसे बात करता हुआ आ रहा था जैसे बहुत ही ज्यादा प्लानिंग हो रही है। फिर वो इंकशाफ करता है कि जिस दिन आर्यन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद एक एक्सटॉर्शन की बात की गई, 25 करोड़ रुपए की डील की बात की गई, 25 करोड़ रुपए की डील उन्होंने क्रैक की, 18 करोड़ रुपए में हो चुकी थी डील। मैं फिर आपको मेंशन कर रहा हूं, डील हो चुकी थी, किससे हुई, ऑब्वियसली दूसरी साइड पे शाहरुख खान ही होगा, और तो कोई नहीं होगा जो ये इल्जामात लगा रहा है। दूसरी तरफ जिसका आपने बेटा पकड़ के रखा हुआ है, उसके बाप से आप एक्सटॉर्शन लेंगे ना, और एक्सटॉर्शन किसके लिए होता है, एक्सटॉर्शन का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है जनाब, किसी के बच्चे को किसी को अगवा करते हैं ना, तो उसके बाद उसका तवान लिया जाता है। एक्सटॉर्शन के उर्दू तर्जुमा तवान होता है। तवान गिरफ्तारी के बदले नहीं होता है, उठाने के बदले होता है, किस चीज़ के, अगवा करने के बदले होता है। तो जनाब अभी ये कह रहा है 25 करोड़ रुपए की बात हुई और 18 में डील हो गई। फिर ये कहता है 8 करोड़ रुपये इसमें समीर वेंकटे को जाएंगे, भाई 10 करोड़ हमारे हिस्से में आ जाएंगे, आपस में बांट लेंगे। ये डील हो गई। डील कैसे हो गई, क्योंकि इसकी टोकन मनी आ गई थी, 50 लाख रुपए उसी वक्त टोकन मनी इनके पास आ चुकी थी, जिसमें से ये कहता है, अब ये कह रहा है कि मामला ख़राब कहाँ हुआ। मामला ख़राब ये हुआ कि मजीद पैसों के लिए जब पूजा को कॉल की गई, जो कि खुद अब सस्पेक्टेड नज़र आ रही हैं, क्योंकि पूजा वॉज सीन विद समीर वेंकटे एंड किरण, पूजा किरण और समीर वेंकटे, बल्कि समीर वेंकटे नहीं कह सकते आप, ये पूजा डाडलानी के साथ प्रभाकर सेल और किरण, ये तीनों आपस में एक साथ नजर आए हैं। क्यों नजर आए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा जनाब अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं भाई 50 लाख रुपए आ गए थे, उसमें से अब 38 लाख रुपए वापस भी हो चुके हैं, उसके बाद से इनका बॉस किरण गोस्वामी गायब है। वो कहते हैं डील क्यों नहीं हो पाई, इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जनाब पूजा ने फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया था, या फ़ोन नहीं उठा रही, मुस्तकिल कॉल हो रही थी, फ़ोन नहीं उठती, इसलिए मामला आस्ते आस्ते बिगड़ता चला गया और फिर प्रॉपर केस बन गया। और जब प्रॉपर केस बन गया, उसके बाद एक्सटॉर्शन इधर उधर हो गया। ये प्रभाकर सेल इनकशफात कर रहा है और ये तहलका खेज इनकशफात है। इससे इस बात को कंक्लूड अगर किया जाए, तो कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि यार शाहरुख खान के खिलाफ, आर्यन खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, बनाई गई, ये बाकायदा मंसूबा बनाया गया, और ये इतना बड़ा मंसूबा था कि ये किरण जैसे 2 टके के डिटेक्टिव और ये जो समीर वेंकटे हैं, इन लोगों के बस की बात नहीं है, इसमें किसी और की सरपरस्ती हासिल है, क्योंकि किसी और की सरपरस्ती के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है, मेरा इशारा बिल्कुल हुकूमत की तरफ है, जिसकी वजह से बार बार ये मामला तातुल का शिकार हो रहा है। वीडियो कैसी लगी जनाब, ज़रूर आगाह कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा। अब आपको बताऊं, एक नई भी बात निकल कर आ रही है, अब ये बात हो रही है कि आर्यन की बहन को भी गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्स निकालूंगा। तो जनाब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस हवाले से हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस केस के हवाले से हर डिटेल्स आप तक सबसे पहले आए। तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।